हाय गाइस, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स, ठीक है। इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके साथ और एक्सरसाइज भी करेंगे। पहला पार्ट है इसका, तो ये चैप्टर जो दूसरा है वो पॉलीनोमियल्स हैं, ठीक है। पॉलीनोमियल को समझने के लिए हमें पहले समझना है कि टर्म क्या है, ठीक है। तो टर्म्स में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। और वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, या टी अगर हो, डब्ल्यू, यानी अल्फ़ाबेट से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। और कॉन्स्टेंट का वैल्यू सीधा यानी कॉन्स्टेंट सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जिस फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 4 है, यानी ऑल नंबर जो भी हैं इनका वैल्यू कॉन्स्टेंट रहता है, तो इनको तभी कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है, अब टर्म क्या है। टर्म वो होती है कि जिसमें एक कांस्टेंट हो और वेरिएबल, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल है उसको हम टर्म कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है, 4y, -3z, ये सारे टर्म्स हैं। यानी टर्म हुए, इसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, ठीक है। तो पॉलीनोमियल का मतलब अब क्या हुआ, पॉली का मतलब हुआ मैनी, ठीक है। नॉमिनल्स का मतलब हुआ टर्म्स, तो इसका मतलब पॉलीनोमियल हो गया मैनी टर्म्स, ठीक है। यानी वो एक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स इनटू यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अब हम अगर पॉलीनोमियल को डिफाइन करेंगे, तो पॉलीनोमियल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि पॉलीनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। पॉलीनोमियल वो एक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। और इसमें और एक चीज़ ये है ज़रूरी कि जो वेरिएबल का जो पावर हो, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। पावर, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, होल नंबर, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर वेरिएबल का पावर कुछ और हो, यानी वो कुछ -1/2 हो या और कोई होल नंबर के बगैर और कोई हो, ठीक है, तो वो फिर पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगी। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, 2x-3+x चुके हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका जो पावर है वो एक होल नंबर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये एक पॉलीनोमियल है। ये भी इस तरह दूसरी एक पॉलीनोमियल है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ वो है कि कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट हम बोलते हैं कि एक वेरिएबल जो है उसके साथ जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्या है कोएफिशिएंट, कि यानी टर्म, जो भी टर्म है, ठीक है, जो भी टर्म है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट दिया गया है उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, यानी कांस्टेंट वैल्यू को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, ठीक है, अगर हमें बोलना होगा कि इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका कोई 1 है, माइनस, तो माइनस आ गया, तो इसका -1 होगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है, 4 है, ठीक है, मैंने लिखा है। तो इसी तरह 7x का क्या है, 7 है, और 4 का 4, सही है। तो इसके बाद आगे क्या है, आगे हमें जो पढ़ना है वो ये है कि जो आगे चीज़ है वो मैंने लिखी, 2-5, 6 आर आल्सो कॉल्ड पॉलीनोमियल, बट इनको हम कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स कहते हैं, ठीक है, या हम इनको जीरो पॉलीनोमियल्स कहते हैं। समझ आई बात, क्योंकि हमारे इनके पास वेरिएबल नहीं होता है, तो इनको हम कांस्टेंट या जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं, ठीक है। द पावर ऑफ अ पॉलीनोमियल इज अ होल नंबर, ये मैंने अभी बताया कि पॉलीनोमियल में जो भी पावर हो वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 डिजिट, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल फिर से ली है, 6x³+x² - 5x - 7, ठीक है, ये एक पॉलीनोमियल है, इसमें जो पावर है वो होल नंबर है, तो इसका मतलब है ये एक पॉलीनोमियल है। इसी तरह मैंने दूसरी एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ली है नीचे, इसमें क्या है कि x का पावर -1 आ रहा है, तो जो ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक पॉलीनोमियल नहीं है। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो पॉलीनोमियल में अब और क्या चीज़ें पढ़नी थी, इतने तक पढ़ा, तो अब पॉलीनोमियल्स कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कुछ भी 5, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब जो भी चाहे हम उतने नंबर ऑफ टर्म्स एक पॉलीनोमियल में हो सकते हैं। लेकिन अब हम कुछ डिफाइन करते हैं, कुछ पर्टिकुलरली डिफाइन करते हैं कुछ पॉलीनोमियल्स। तो पहले हम क्या लेंगे, पहला मोनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल वो पॉलीनोमियल है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, जस्ट 2x, 5x², ठीक है, डैश डैश, यानी जिसमें सिर्फ एक टर्म हो,
बाइनोमियल वो पॉलीनोमियल होती है, ठीक है, पॉलीनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी पी ऑफ एक्स सब हम एक्स से डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो एक्स आएगा, ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यानी इसमें भी दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है, सही है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल वो टर्म यानी हम कहते हैं कि वो पॉलीनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स हो, जिस तरह मैंने ये पी ऑफ एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर, ठीक है, इसमें तीन टर्म्स है, एक दो और तीन, ठीक है, तो इस ये हुए ट्राइनोमियल। अब ये पढ़ लिया, अब हो सकते हैं इससे ज़्यादा जिसमें फोर टर्म्स हो फाइव टर्म्स हो या ये चला जाएगा, ठीक है, अब जहाँ तक हम इसको लेना चाहेंगे ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल, ठीक है, हम पढ़ेंगे कि डिग्री क्या होती है, यानी हाइस्ट पावर, ठीक है, ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल। याद रखना है कि हाइस्ट पावर क्या है, एक वेरिएबल यानी एक पॉलीनोमियल में वेरिएबल का जो हाइस्ट पावर हो उसको हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलीनोमियल लिया है, ठीक है, एक्स रेस पावर सेवन माइनस एक्स एक्स क्यू प्लस फोर एक्स प्लस टू, ठीक है, इसमें हमें देखना कि सबसे हाइस्ट पावर क्या है, इसका वन है, इसका थ्री है, इसका सेवन है, तो हाइस्ट पावर सेवन है, तो इसका मतलब इस पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, वो सेवन है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद हम और पढ़ेंगे इसके साथ ही है, डिग्री पढ़ेंगे, पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री वन, ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या होती है। अगर एक पॉलीनोमियल की डिग्री वन है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, सही है। फॉर एग्जांपल यह है पी ऑफ एक्स इक्वल फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये एक पॉलीनोमियल है, ठीक है, इसमें जो हाइस्ट पावर है वो क्या है, वन, क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर हम फॉर एग्जांपल लेंगे कोई वेरिएबल, उसका पावर क्या होगा, जीरो, एनी नंबर रेज पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ये मैंने लास्ट एक लेक्चर में प्रूव करके दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, तो हाइस्ट पावर वन है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये लीनियर पॉलीनोमियल, इसी तरह ये भी एक लीनियर पॉलीनोमियल है, ठीक है। लीनियर पॉलीनोमियल की जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल लीनियर फॉर्म पे लीनियर पॉलीनोमियल वो ये है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे एक बात जरूरी है कि ए और बी कॉन्स्टेंट है, और ए क्या क्या है, ए इक्वल टू यानी ए जीरो के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी जो एक्स है वो वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह अब दूसरी डिग्री क्या, उसको क्या कहेंगे, अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू, ठीक है, वो पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, टू है, तो इस कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर प्लस फाइव है, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, यहाँ पे अगर हाइस्ट पावर देंगे टू है, यहाँ पे हाइस्ट पावर देंगे तो टू है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। और जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो फॉर्म है, यानी जनरल कोऑर्डिनेट पॉलीनोमियल की जो फॉर्म है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए जीरो के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे हम एक्स भी लिख सकते हैं, बी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल इन वन वेरिएबल फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक ही वेरिएबल लेंगे, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हम ए को जीरो देंगे तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएंगे, तो ये भी एक्स प्लस सी, तो ये तो लीनियर बन जाएगी, लेकिन हमें कार्डिनेट पढ़ना है, कार्डिनेट हाइस्ट पावर टू होना चाहिए, तो इसलिए ए बिल्कुल जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बी जीरो हो भी जाए, सी अगर जीरो हो भी जाए, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ए बी सी और कॉन्स्टेंट और एक्स वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है, तो जिसमें थ्री पावर उसको क्यूबिक पॉलीनोमियल कहते हैं, एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, ये सारे एग्जांपल्स क्यूबिक, ठीक है। और जनरल फॉर्म जो क्यूबिक पॉलीनोमियल की है वो ए एक्स क्यूब है, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, और यहाँ पे ए भी फिर से ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो बन गए तो ये फिर कॉर्डिनेट बन जाएगी, ठीक है, और ए बी सी इसमें कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि एक्सप्रेशंस, ठीक है, आर पॉलीनोमियल्स आर नॉट, हमें बताने कि जो एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं वो पॉलीनोमियल्स हैं या नहीं है, ठीक है। पहली जो जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, ये बताने ये है या नहीं है। मैंने लिखा हाँ यस, क्योंकि है, इसलिए क्योंकि जो भी पावर है वेरिएबल का जो भी पावर है वो एक होल नंबर है, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे भी वेरिएबल का या कॉन्स्टेंट का नहीं देखना है, बिल्कुल वेरिएबल का देखना है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो उसका मतलब हाँ बिल्कुल ये एक पॉलीनोमियल है। इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलीनोमियल नहीं है, इस तरह ये भी नहीं, क्योंकि इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। और चौथा जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे, ठीक है।
ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें हमें क्या बताना है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनमें से हमें ढूंढना है कि यानी कोफिशियंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है। हमें पहली एक्सप्रेशन जो दी गई है वो है 2 + x² + x, ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन है। इसमें हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, बिल्कुल यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 × x² हो गया एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन दी गई है, ठीक है, वो ये है कि एक्सप्रेशन दी गई है, इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, एक्सप्रेशन एक दी गई है 2 − x² + x³, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, अगर हम देखें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है, हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे। तो तीसरा पार्ट जो है वो पाई बाई 2 x² + x, ठीक है, यहाँ पे हमें बताना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यानी कांस्टेंट टर्म जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो है सिंपली पाई बाई 2, क्योंकि पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है और 2 भी है, ठीक है, तो ये इसी के साथ आएगा पाई बाई 2। इसी तरह लास्ट पार्ट है वो है √2x − 1, ठीक है, तो हमें बतानी यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, अगर हम ले भी लेंगे, अगर हम लेंगे सो एक्स स्क्वायर इंटू 0 करेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर है 0, ठीक है, तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0, ठीक है, शाबाश। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोल रहा है कि हमें एग्जांपल देनी है एक बायनोमियल की और एक मोनोमियल की, लेकिन बायनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए, ठीक है, और मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए। हमने पहले एक बायनोमियल लिया है, ठीक है, बायनोमियल वो होती है कि यानी वो एक पॉलीनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हैं, बिल्कुल हमने 2 टर्म्स यहाँ पे लिया है, ठीक है, लेकिन हमें डिग्री क्या दिखानी है, डिग्री मतलब हो गया हाइस्ट पावर क्या दिखाना है 35, ठीक है, यहाँ पे इसको हम कुछ भी पावर डाल सकते हैं, लेकिन 35 से नीचे, क्योंकि हमें डिग्री बतानी है 35, तो हाईएस्ट पावर 35 ही रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह ये एक एग्जांपल, और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। इस तरह मोनोमिल है, ठीक है, डिग्री 100 लेनी है, तो मोनोमिल हमने ली है 2y^100, ठीक है, यहाँ पे एक ही टर्म आ सकती है और इसका डिग्री जो है वो 100 होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये बता रहा है कि 5x³ + 7x, ठीक है, हमें इसमें क्या करना है कि हमें इसमें डिग्री बतानी है, ठीक है, हमें बतानी है डिग्री क्या हुई, डिग्री वो होती है कि हाइस्ट पावर अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो उसका मतलब 3 है, ठीक है। इसी तरह 4 − y² है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या, हाइस्ट पावर क्या, 2, ठीक है। इसी तरह 5t − √7 है, इसमें हाइस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1, ऐसा है। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्लास में हमें बताने की लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक, यानी इनमें से बताने में लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है, क्यूबिक क्या है, कौन सा, अभी हमने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। तो ये है x² + x, ठीक है, x − x³। तो हमें पहला पार्ट लेंगे, ठीक है, ये x² + x है, तो यहाँ पे हाइस्ट पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है इसकी, 2 है, तो सब क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 3 है, तो ये क्यूबिक बन गई, ठीक है। इस तरह ये एक्सप्रेशन दी, इसमें हाइस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दी गई 1 + x, यहाँ पे पावर हाइस्ट क्या है, 1, तो ये लीनियर बन गई। इस तरफ 3t है, ठीक है, यहाँ पे पावर हाइस्ट पावर क्या है, 1, तो ये लीनियर बन गई, ठीक है। इस तरह यहाँ पे r² है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। और यहाँ पे हमारे पास 7x³ है, हाइस्ट पावर क्या है, 3, तो ये 3।